رمسي. الحمد لله. Şakas zıtra treyim böyle tepşimiz greyen gamız ki devam şu bir tostap. Mujhe lagta hai. Kisi kaam ki nisbat na kehna ki main ise kal kar dunga. Magar inshaAllah kehkar yani agar Allah chahe to kar dunga. Aur jab Allah ka naam lena bhool jao to yaad aane par le lo. Aur keh do ki ummeed hai ki mera parvardigar mujhe isse bhi zyada hidayat ki baatein bata. सुबह-सुबह दोस्तों इस वक्त टाइम आया है 7:30 नमाज पढ़ ली हमने सुबह-सुबह देखो हम क्या कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी ठीक क्या कर रहे हैं हम इस वक्त हम क्या कर रहे हैं मस्जिद में लोग बैठे हैं हम हमाम जलाएंगे क्या करेंगे वहां बुजुर्ग बैठे हैं ना हां तो उन्होंने बोला हमें ठंड लगी है तो जिसका वो जलाने का वो है दिन है आज उसको जलाना है आज पता नहीं कहां गया बेचारा उसने शाम को जलाया है लेकिन वो सुबह तक नहीं रह पाया सुबह तक नहीं वहां बुजुर्ग बैठे तो अब हम जलाएंगे वो अरे हमने सोचा कि हम जलाते हैं हम अपने घर से ही अपने घर अकबर भाई के घर से हम थोड़ा गोद लेंगे ये जलाने का सिस्टम ये देखो सरजी अकबर भाई के घर से हमने क्या लिया अगर पता चला ना इनको फिर भी वो सोए हैं इस वक्त मरेंगे छोड़ेंगे नहीं हमें अकबर भाई क्या ले रहा है ये राइफल राइफल हाँ मेरे हाथ में ये गन आपको पता है क्या कल हमारा एक बंदा फोन कर रहा था ये क्या हमारा ना सपोर्ट करता है तो क्या बोल रहा था हमने परसों खाई ना वो आज आज हाँ वो बोलते हैं मुझे बच्चों ने तंग किया है आप लोग बोलो ये क्या है अच्छा ये हमारे कजन वो ना इम्तियाज भाई वो इम्तियाज अच्छा अच्छा वो ठीक ठीक है उसको बोलो मुंबई छोटी को पता है हमारा जीजू है ना हाँ वही बोल रहा था कि ये क्या चीज है ये क्या चीज है बच्चों ने तंग किया ये यार मस्त चीज है आराम से बस 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 ये देखो गाइस फाइनली हमने ये काम कर दिया ये हाँ ये डालना है इसको उधर नहीं हाँ ये देखो गाइस फाइनली हमने किया ये कर्ण ये देखो फाइनली जला दिया हमने हमाम ये करेंगे इसको बंद अब रख ऐसे ही बस इसको होता नहीं ये खुला रख पूरा हा? ये पूरा खुला रख वो वाला छोटा वाला ये इनको दिखाओ ना यहाँ से वो ये देखो ये गाइस हमको खुद इतनी सर्दी लग गई ये देखो हाथों का क्या हाल हो गया अभी हम बैठेंगे अंदर हमाम में One eternity later अस्सलाम वालेकुम गाइस अब हम जा अब हम आए लो था रट 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 सुन यार सुन बाबा Assalamualaikum guys अब हम जा रहे हैं घर से हम निकले अभी हमें जाना है मरकज और वहीं से हमें बैट भी लाना है और जो भी हम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम हमारे साथ और भी साथी हैं पीछे देखो राशिद भाई मोमिन भाई फैजान भाई है फैजान भाई हाँ और एक भाई घर पे ही रह गए एक भाई घर पे ही रह गया जो भी हम करेंगे आगे देखेंगे बैट वाला वही होना चाहिए बैट हमें
फिलहाल अकबर भाई बिजी हैं ड्राइविंग में है इसको ज़्यादा फोकस ड्राइविंग पे करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है इस वक्त गाड़ी चलाना समझ नहीं आ रहा है ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है और हमें जाना है मरकज है मरकज जाना है वहीं से हम बैठ भी लाएंगे नया पिछली बार भी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन अकबर भाई को बहुत ही इसको मतलब वो दिल पे लगी थी वो बातें हैं महसूस हो गया था और आज भी वहाँ अच्छा ये आ रहा है ना वो आज बड़ा इज्तिमा है वहाँ आज एक प्रोफेसर कौन है शायद आप जानते होंगे नज़ीर अहमद ज़रगर साहब तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें मौका मिल रहा है उसका बयान सुनने को इसलिए ये दो तीन बंदे भी आए और वहीं से हमें बैट भी लेना है वो प्लास्टिक बैट जो आज जैसे आज अक्सर खेलते हैं लोग डिक्सन बॉल और प्लास्टिक बैट हमारे पास हैं ऑलरेडी दो लेकिन हमें अपने नहीं है वो इसलिए हम एक अपना भी ला के रखेंगे मतलब जिस टाइम हम चाहें अपना बैट निकालें और खेलें तो ये मामला है आज के व्लॉग में तो करते हैं शुरू आज के व्लॉग उम्मीद है कि आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करोगे पेज फॉलो करोगे तो लेट्स गो अभी पहले गाड़ी की प्यास बुझानी है और हंदवारा भी हम पहुंच गए और यहां पर हम वो सामान लेंगे दोस्तों अभी हम पहुंचे मेन मार्केट हंदवारा यहां से हमें डायरेक्ट जाना है हिलाल भाई के पास और वहां हमको वो बैट वगैरह देना है और राशिक भाई को इधर ही उतरना है हम साइड में लगाएंगे गाड़ी पहले उतरो भाई साहब आराम से लेट्स गो अकबर भाई हम जाएंगे ये सामान वगैरह लेंगे और मुझे भी कैप एक लेनी है यार मैं ये बालों को काटता हूँ अब मैं नहीं रखने वाला हूँ बाल पहुँच गए हम हिलाल भाई के पास टी सपोर्ट्स अकबर भाई लेट्स गो लकड़ शायद लकड़ सर चलो 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 भाई साहब फिलहाल भाई के पास हमें आज वो सामान नहीं मिला जिसके पास हमें सामान नहीं मिला तो आज यहाँ पर सर दुकानें बंद है अकबर भाई को गुस्सा आने लगा यार क्या मसला है ओए क्या मार्केट है यार ये यहां दो दुकानें हैं इतनी बड़ी मार्केट है ओ यार ये हमारा हंदवारा है यार यहां पर जो छठी का दूध भी मिलता है हमें बैट नहीं मिला छठी का दूध हमें बैट चाहिए था फिर वो नहीं मिल रहा यहाँ मिल गए बैट यार हमें चलो लेट्स गो गाइस आराम से वही ध्यान से यहाँ पर तो हैं बैट्स अरे मां पता है यार टर्न टर्न देखो ये वाला टर्न देखो ग्रुप आशा ठीक है बाबा ये तुम ओ भाई साहब ऐसा ये बैट ले लिया हमने फाइनली और इसको जो ग्रुप है ना इसकी ग्रुप अच्छी क्वालिटी की बहुत ही मस्त हम जाते हैं मरकज बाद में मिलते हैं चलो अकबर भाई क्या कर रहे हैं अब निकले हम खाना खा के टाइम क्या गया जरा दिखाओ क्या हुआ टाइम आया 9:30 9:30 हो गए 9:30 अब हम निकले ये देखो ये यहीं पर खेल रहे हैं इसको इसने पेट भर के खाना भी नहीं खाया इसने दो तीन त्रेमी उतारी ना पक गया उई
شخص زترت رہیں وہی لیتے ہیں اس گرین گمز کے دیوان سے بیٹھ اس تھا مجھے لگتا ہے ہمیں کھیلنے کے لیے جانا تھا اس ٹائم ہاں اس وقت ہم جائیں گے وہ گلگنز میں کھیلیں گے ہاں وہیں پر کھیلیں گے گلگنز میں مجھے لگتا ہے اس کو ابھی بھی بھوک مٹنی رہی ہے نہیں اور کیا پیٹ بھر گیا لیکن من نہیں بھر گیا یہی کچھ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ تو گائز 9:30 بج گئے اور الحمد للہ آج اچھا خاصا وہ رش تھا لوگوں کا بہت سارے لوگ آئے تھے آج اور ایک بہت ہی اچھا واز خان کہہ سکتے ہیں اسے آیا تھا الحمد للہ آج بہت ٹائم بعد اس کا بیان سنا اور اس کی زیارت کی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس سے ہر ہمیشہ جب بھی وہ آتا ہے یا جب بھی کوئی عالم دین آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بالکل رش ہوتا ہے لوگوں کا پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے کھانے میں بھی اور اچھے سے اس دن لیکن بیان ویان نہیں سن پا رہے وہ جو بیان ہوتا ہے مین وہ تو سن پا رہے اس کے بغیر جو ہوتا ہے وہ نہیں سن پا رہے اور پھر اس دن رات کو یہاں رہنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم واپسی جا رہے ہیں گھر تو لیٹس گو ابھی اکبر بھائی آئے گا اس کے ریویوز دیکھتے ہیں اس کو کیسا مزہ آیا وہ دیکھتے ہیں وہ بتائے گا نا اس کو پہلے آنے دو آ رہا ہے کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ آ جا اندر اوئے آ جا تو گائز یہ اکبر بھائی بھی آ گیا اب اسے بتائیں گے کہ مزہ کیسا آیا آج بہت اچھا مزہ آیا آج بہت لوگ تھے یہاں پہ ہاں بہت زیادہ لوگ تھے آج لگو انویٹر یہاں بہت زیادہ لوگ تھے بہت بڑا اجتماع تھا آج آج بڑا تھا آج آیا تھا نا وہ پروفیسر نذیر صاحب یس سر ہوگا تو چلو گائز جو ہمارا کام تھا الحمد للہ آدھا تو فنش ہو گیا آدھا کیا 75% فنش ہو گیا ابھی مجھے ہی وہ کیب لانی تھی وہ نہیں ملی کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ اترے نا مارکیٹ میں تو وہ کیب نہیں ملی اس لیے اب ہم کل لائیں گے انشاءاللہ اپنے لوکل مارکیٹ زجلڈرا سے کیب انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ ٹیک کیئر بائے بائے چینل سبسکرائب کیجیے پیج فالو کیجیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ بائے بائے